जब कभी भी हमें लैपटॉप या कंप्यूटर में पेन ड्राइव या फिर किसी भी फ्लैश ड्राइव के थ्रू डेटा को ट्रांसफर करना होता है, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप से पेन ड्राइव या फिर फ्लैश ड्राइव में हमें डेटा ट्रांसफर करना होता है, तो हम लोग सिंपली एक काम करते हैं कि हमारी जो पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में हम लोग लगाते हैं, या फिर कंप्यूटर या लैपटॉप से अपने पेन ड्राइव में डेटा ट्रांसफर करते हैं, या पेन ड्राइव से अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में डेटा ट्रांसफर करने के बाद सिंपली हम उसे डायरेक्ट निकाल लेते हैं, जो कि एक बहुत ही गलत तरीका है। इसमें क्या होता है, आपकी जो पेन ड्राइव है वो करप्ट हो सकता है, आपका जो डेटा है वो करप्ट हो सकता है, और कुछ कुछ केसेस में आपके कंप्यूटर का डेटा भी कभी ना कभी करप्ट हो सकता है। तो देखो एक सही तरीका होता है, क्योंकि देखो कंप्यूटर को भी नहीं पता होता, या फिर जो आपके लैपटॉप को नहीं पता होता कि आप उसे निकालने वाले होते हैं, उसके लिए आपको कंप्यूटर को बताना पड़ता है कि अब आप इस पेन ड्राइव को या फिर किसी भी यूएसबी ड्राइव को आप निकालने वाले हैं। तो वो कैसे बताएंगे, चलिए इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, क्योंकि बिल्कुल एक सही तरीका मैं आपको बताऊंगा ताकि आपका जो डेटा है वो बिल्कुल सिक्योर रहे, कभी भी जो आपके पेन ड्राइव का डाटा है वो कभी भी करप्ट ना हो। तो सही तरीका इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। सो मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं मनीश्वरी यूट्यूब चैनल। सो बिना टाइम गवाए आज के इस कमाल के वीडियो को शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए सबसे पहले हम लोग सही तरीका देखते हैं क्या है यहाँ पे पेन ड्राइव को लगाने का और निकालने का। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ आप लोग सबसे बड़ी मिस्टेक क्या करते हैं। यहाँ पे जैसे यूएसबी पोर्ट है, यहाँ पे हम लोग अपनी पेन ड्राइव को ऐसे लगाते हैं, सिंपली यहाँ से मैं आपको लगा के बताता हूँ। और यहाँ पे ऐसे लगाया, अपना काम करा, जो भी आपको यहाँ पे कुछ भी डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है, उसके बाद आप क्या करते हैं, विदाउट जो तरीका मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वो करें, आप लोग क्या करते हैं डायरेक्टली यहाँ से निकाल देते हैं, जो कि बहुत गलत तरीका है, इसमें आपका डेटा करप्ट हो सकता है। अब चलिए सही तरीका क्या जानते हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे पेन ड्राइव या फ्लैश ड्राइव लगानी है, मेरी फ्लैश ड्राइव है ये, यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे लगाते हैं, लगाएंगे हम यहाँ पे, तो यहाँ पे हमें सिग्नल मिल जाएगा कि हमारी यहाँ पे पेन ड्राइव लग चुकी है। अब उसके बाद हमें सबसे पहले क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे कोई भी आपको डेटा वगैरह ट्रांसफर करना है, जैसे यहाँ ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, मान लीजिए आपने कोई भी डेटा ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद आपको क्या करना है, दिस पीसी में जाना है। अब आपकी यहाँ पे पेन ड्राइव दिखाई देगी, जैसे यहाँ पे मेरी पेन ड्राइव दिखाई दे रही है, मेरी फ्लैश ड्राइव है जो कि किंगस्टन की है, तो यहाँ पे ये शो कर रही है। अब यहाँ से आपको क्या करना है, जैसे अगर आपको इसको निकालना है, उससे पहले आपको यहाँ पे माई पीसी में आने के बाद, या फिर कई कई कंप्यूटर्स में माई कंप्यूटर होता है उसमें आने के बाद, आपको यहाँ पे आपको प्रेस करना है इस टाइप से, तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा इजेक्ट वाला, जैसे कि यहाँ पे आप लोग जूम कर रहे हैं, हम लोग यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इजेक्ट वाला एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, आपको इजेक्ट पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे कंप्यूटर को सिग्नल मिल चुका है कि हम लोगों ने यहाँ से पेन ड्राइव को निकाल लिया है, अब आपका डेटा करप्ट नहीं होगा। अब आप बिंदास यहां से ऐसे पेन ड्राइव को निकाल सकते हैं। अब आप चाहे दिन में 10 बार इसको लगाएं, चाहे 20 बार लगाएं, इस तरीके से अगर आप लोग यहां पे अपनी पेन ड्राइव को लगा के रिमूव करते हैं, इजेक्ट करते जाएंगे बार बार, कोई आपका डेटा करप्ट नहीं होगा और आपका डेटा बिल्कुल सेफ रहेगा आपके पेन ड्राइव में। सो आई होप आप लोगों को इस वीडियो से कुछ ना कुछ नई चीज़ सीखने को मिली होगी। अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें सही इन्फॉर्मेशन बताई गई है, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर इस वीडियो को शेयर करें। ऑल्सो यार वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अगर आप लोग फ्यूचर में भी ऐसी मस्त और इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखना चाहते हैं, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन पर प्रेस कर दें। सो मैं मिलता हूँ आपसे ऐसे किसी अमेजिंग और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद मनीष फॉर यू।